जिनके रिश्तों में खटास है, जिनके संबंधों में विवाद है, जिनके दिल के संबंध और रिलेशंस टूट चुके हैं, आज पूरी तरह से उनका दिन है। आज मैं कह रहा हूं कि गुलाब के कांटों वाले डंडी में ये चीज केवल बांध दीजिए, सच मानना इसके कांटों की चुभन उस शत्रु पर होगी और तुम्हारा प्यार जीवंत तो होगा। तुम्हारे प्यार को जो भी ग्रह नक्षत्र या बुरी चीजें रोक रही होंगी, तुम्हारे प्यार को जो भी तुमसे दूर कर रहा होगा, जिस भी वजह से तुम्हारा प्यार दूर हो रहा होगा, वो वजह पूरी तरह से समूल विनाश होगी। जानिए पूरा विश्लेषण। व्यवस्थाओं को तार तार करते हुए लोगों की लाइफ ठीक की जाती है। बहुत से लोगों से विवाद करके भी आपको ठीक करने के लिए हम लोग विवश होते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे गमले में अगर गुलाब का पेड़ लगा है, नहीं लगा कोई मुश्किल बात नहीं है। गुलाब का पेड़ विश्व के हर कोने में कहीं से भी बागवान से लिया जा सकता है, आसपास किसी भी बगीचे में लगा हो तो भी काम चल सकता है। बस तुम्हें इतना सा ढूंढना है कि गुलाब का पेड़ आसपास कहीं होना चाहिए। अगर मिल गया जैन में तो अभी से तुम जीत गए, नहीं मिला बहुत आसपास ढूंढना फिर भी नहीं मिला तो मुश्किल नहीं है, 20-50 रुपए खर्च करके अपने गमले में लगा सकते हैं। अपने प्यार को, अपने रिश्ते को, अपने संबंध को, अपने रिलेशनशिप को बचाने का ये एक अद्भुत, अद्वितीय और चमत्कारी तरीका है। रोज को गुलाब को प्रेम का शायद एक माध्यम माना जाता है, प्रेम को रिप्रेजेंट करने का एक साधन माना जाता है, इजहार करने के लिए, जाहिर करने के लिए, स्वीकृति के लिए गुलाब को बहुत स्पेशली माना जाता है। परंतु इसमें जो कांटे हैं वो तांत्रिक व्यवस्थाओं को, ज्योतिषीय संसाधनों को और मांत्रिक व्यवस्थाओं को बहुत बल देते हैं। ये एक अलग कलर है इनके, इनके जो कांटे हैं उसका कलर बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। पूरा का पूरा वृक्ष हरा होता है और कांटे 100% ब्लैक होते हैं। आप देखिएगा, चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा, कांटा ऑलवेज इसका सूखा ही होता है, बाकी कांटे जब सूखते हैं तब कलर चेंज करते, गुलाब का कांटा पहले से ही कलर चेंज करके निकलता है। ये प्राकृतिक एक व्यवस्था है, प्राकृतिक संसाधन है, ये वनस्पति तंत्र से निकाला हुआ एक अद्भुत संयोग है जो आज आपको साझा कर रहा हूं। वनस्पति तंत्र विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। वनस्पति तंत्र मतलब तुम जो रुद्राक्ष पहनते हो, जो तुम तुलसी पहनते हो, तुम जो वैजंती की माला पहनते हो, तुम जो तुलसी प्रयोग करते हो, आंवला प्रयोग करते हो, जितनी भी वनस्पतियों से मिली हुई चीजें, पेड़ पौधों से मिली हुई चीजें, उसको वनस्पति तंत्र बोलते हैं। वनस्पति तंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सकारात्मक तंत्र है। इसमें दुरुपयोग का और किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट का किसी भी तरीके से कोई स्थान नहीं है, बशर्ते हमें वो ढंग, वो तरीका, सिस्टम आना चाहिए। जैसे ही आप इसको समझते हो तो आप जीत जाया करते हो। अद्यस्य मूलम शकारदं यत् करोतु न स्वा दसनाप्यहारी। ये एक ऐसे हरिद का स्वभाव का एक ऐसा निजी एक सिस्टम है जिसको बनाए रखना, जिसको पूरी की पूरी तरह से क्रिएट करना आपके अपने हाथ में है। अपना रिश्ता बचाना, अपना संबंध मधुर करना, अपने अपने संबंधों को अपने अनुकूल बना लेना, दुनियादारी की किसी की कोई बात ना सुने, सिर्फ तुम्हारी सुने, ये बात करना भी आज संभव होगा। लोग कहते हैं कि मैं जब रोज आपसे वार्तालाप करता हूं तो कहते लगता है ऐसे बात हो रही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि रोज तुमसे बात करने का मौका मिलता है मुझे। मैं रोज सायं 4 बजे इसलिए नहीं आता कि मुझे हर दिन कुछ सिखाना है, ये तो एक माध्यम है, पर
एक ये भी माध्यम है कि रोज तुमसे मिलना भी तो है। ये बहुत आवश्यक विभाग है। मुझे किसी भी कंडीशन में मैंने ये मिलाप छोड़ा नहीं, मिलके ही रहा मैं। बहुत बार इंटरनेट ने धोखा दिया, बहुत बार परिस्थितियों ने धोखा दिया, कुछ भी हो गया हो, लेकिन मैं बिना मिले रहा ही नहीं। चाहे कुछ भी करना पड़ा हो, मैंने ये संवाद, ये संसर्ग बना के रखा। प्रेम का सबसे बड़ा संयोग यही है। तो चलो बहुत बड़ी बातें नहीं करते। आज हम कह रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ गुलाब के पेड़ पर ये चीज बांध दो, प्यार सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम अच्छे रहो, सुव्यवस्थित रहो, सकारात्मक रहो, अच्छा चिंतन करो। बुरा होगा तुम्हारे साथ ना, तब भी उस पर अच्छा सोचना, क्योंकि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। ऐसा चिंतन करके करो ना एक बार, तुम्हारा ब्रेन है चलता रहेगा, तुम्हारे अपने अनुभव है 200-250 साल के, वो चलते रहेंगे। वैसे उन अनुभवों को एक नया आयाम दो, एक नया आकार दो, एक नया स्वरूप दो, फिर देखना। एजुकेशन तुम्हें अच्छा कैसे बना लेती है, इसलिए क्योंकि तुम एक नया आयाम देते हो अपने आप को, अपने आप को अलग तरीके से रखना शुरू करते हो ना, तो तुम चेंज हो जाते हो। हाँ, उपाय बताता हूं आपको। लाल, पीला, कोई भी ऐसा धागा या कपड़े का पतला आकार में कपड़ा फाड़ सकते हो, चिट ले सकते हो कपड़े की। अब इस दोनों में परिस्थिति आपका ऐसी रखिएगा कि आपके पूरे हाइट के बराबर की हो। 5'3" हो तुम तो 5'3", 5'2" तो 5'5", या 5 या 6 फीट, जो भी तुम्हारी हाइट पर्सनैलिटी है, अपनी हाइट के पैर के अंगूठे से लेकर के सर की चोटी तक आपकी हाइट नाप लीजिए उससे, और उसमें 27 गांठ मार लीजिए। हर गांठ के बाद ध्रुम बोलना है, ओम ध्रुम, ओम ध्रुम, ओम ध्रुम। ध्रुव ध्रुव भगवान थे ना, वही वाला ध्रुम, आगे सिर्फ म लगा देना। ध्रुम ध्रुव की जगह म, वा की जगह मा लगा दो, बस वैसा है। ओम ध्रुम, ओम ध्रुम, ओम ध्रुम, बस ये बोल बोल कर 27 गांठ लगाओ, और उसके बाद किसी भी गुलाब की टहनी पर उसको बांध दो जा करके, चार लर पांच लर करके, है ना, लपेट दो उसको। और इतना अद्भुत संयोग है इधर बीच 2-3-4 दिनों में, आपको पता है नवरात्रि है ना, बांधने के अगर सप्ताह भर के अंदर कोई विशेष मुहूर्त निकलता है तो ये उपाय वज्र जैसा काम करता है। यानी करोड़ों खरबों खर्च करके जो यज्ञ इत्यादि में फल मिलता होगा, वो फल मिलता है इसमें। तो पूरी विधि से, पूरे परंपरा से, पूरी तरीके से, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करना। तुम खुश खुश रहो, खूब आनंदित रहो, खूब सुव्यवस्थित रहो, अपना बहुत ध्यान रखो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, सुंदर बनना, अच्छे रहने की कोशिश करना, सकारात्मक चिंतन करना और मुस्कुराना। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान रिश्तों में नहीं करना चाहिए, और रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, ऐसा करने से तुम्हारे ही काम खराब होते हैं। तुम मानोगे तो ठीक होगे, नहीं मानोगे तो भाई तुम्हारी मर्जी है। मैं हूं तुम्हारे साथ, अगर तुम मेरी बात मानते हो। ओम नमः शिवाय।